कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में नर चीता उदय की मौत की बात सामने आ रही है। वन अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। अब कुछ ही दिनों पहले कूनो में मादा चीता शासा की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब चीता प्रोजेक्ट को एक और झटका लगा है। वन विभाग की तरफ से बताया गया कि नर चीता उदय सिर झुकाकर सुस्त अवस्था में बैठा पाया गया है। चीता के करीब जाने पर वो उठकर लड़खड़ाकर एवं गर्दन झुकाकर चलता पाया गया। इसके बाद उसकी हालत की जानकारी वन्य प्राणी चिकित्सकों को दी गई थी। इसके बाद चीता उदय का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया वो बीमार पाया गया था। इसके बाद इलाज के लिए नर चीता को ट्रैंक्विलाइज किया गया था। सुबह करीब 11 बजे चीता को बेहोश करने के बाद उसका उपचार किया गया था। चीता के स्वास्थ्य को देखते हुए उसे आइसोलेशन वार्ड में आगे की उपचार और निगरानी के लिए रखा गया था, लेकिन शाम 4 बजे चीता उदय ने दम तोड़ दिया। नर चीता की मौत की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता साशा की मौत हो गई थी। मादा चीता किडनी और लिवर से जुड़े संक्रमण से जूझ रही थी।